हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल न्यूज़ 24 आरजे हिंदी में। आज का वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सबसे बड़ी अपडेट है। और दोस्तों, बहुत से किसान भाइयों का और बहुत से उम्मीदवारों का यही कमेंट था कि आखिरकार हाईकोर्ट का फैसला रहा क्या, दोबारा लॉटरी निकलेगी या नहीं, चुनाव कब अप्रैल या मई में हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ग्राम पंचायत चुनाव की बात कर रहा हूँ। लगभग 4,500 ग्राम पंचायतें अभी शेष बची है, क्योंकि 3 चरण कंप्लीट हो गए हैं। एक बार 13 तारीख का फैसला आया था, फिर दीनदयाल की याचिका पर, फिर 17 तारीख को सुनवाई हुई थी। सुनवाई होने के बाद दोस्तों, यहां वकीलों से बात करने पर पता चला कि हाईकोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित कर दिया है। वकीलों ने कहा कि सुरक्षित रखने का मतलब यह है कि हाईकोर्ट ने ये तो कहा नहीं है कि लॉटरी निकालेंगे या नहीं, उस पर चर्चा करके राज्य निर्वाचन आयोग विचार करेगी कि आखिरकार इस फैसले को हाई कोर्ट में रखा गया है। और इसका फैसला मैं आपको बता देता हूँ कब आएगा। दोस्तों, इसका फैसला कभी भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि परसों आएगा, कल भी आ सकता है, आज भी आ सकता है। अब इस फैसले पर यही डिसीजन लेना है कि लॉटरी निकलेगी या नहीं। लगभग इस पर यही रहेगा कि लॉटरी पहले वाली ही रह सकती है, और जहां नहीं निकली वहां की निकल सकती है। चुनाव को लेकर भी कंफ्यूजन है कि अप्रैल में होंगे या नहीं, क्योंकि अप्रैल में वार्षिक परीक्षाएं भी है। चुनाव के लिए अभी फिक्स टाइम नहीं हुआ है। जैसे भी कोई अपडेट आती है आपको बता दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, और आगे के अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।